कहाँ जा रहे भाई, कहाँ जा रहे हो? भाग के रो। अरे अरे अंकल जी, कहाँ जा रहे हो? भाग के कहाँ जा रहे हो? अरे आपकी शादी कराएंगे, आ जाओ। अरे मेरे बच्चों को, अरे आ जाओ शादी करवाएंगे, आ जाओ। अरे आपकी शादी होगी, आ जाओ थाने, चलो थाने शादी करवाएंगे लड़की से। अरे लड़की बेटी समान है मेरी यार, कोई बेटी भाई। दूसरे भी बेंच लगे हैं, वहाँ जाके बैठ जा भाई। और ये क्या वीडियो बना रहा है तू? क्या वीडियो क्या बना रहा है? यही है वो लड़का? हाँ यही है वो। ये तो अंकल है ना? अरे यार बहुत लड़कियों को छेड़ते हैं पता है, गार्डन में ये सब करने आते हैं। ये जो बंदा है, ये जो कुर्ता पजामे वाला है, ये तो अंकल लग रहा है यार। देख रहे हो अभी भी लड़कियों को देख रहे हैं यार। तो आपको भी पहले छेड़ा हुआ था भाई? तो नहीं छेड़ा अभी। ये देख लो, ये जो ये अंकल है ना, ये जो घूम रहे थे उधर, ये जो कुर्ता पजामा पहन के घूम रहे हैं, ये बैठ रहे हैं। वो बैठ गया भाई। हाँ, ये लड़कियों को बहुत पसंद। एक काम करो, ये हमारी टीम की बंदी है। एक काम करो, आप ये माइक पकड़ो, आप ना पीछे से जाना और वहाँ जाके बैठ जाओ एक बार, फिर देखते हैं क्या करता है वो। हाँ, फिर हम देखते हैं। देखो ये बंदा भाई, यहाँ पे इसकी बहुत सारी कंप्लेंटें मिली है, ये लड़कियों को परेशान करता है, ये करता है। माइक लगा लिया? आप लगाओ माइक लगाओ, उसके बाद पीछे से जाना आपको, ठीक है? जाओ पीछे से जाओ, हम इधर से वीडियो बना रहे हैं, डरना नहीं आप बिल्कुल भी, ठीक है? हम यहीं पे हैं, डरने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी, रिलैक्स होके जाओ भाई। देख लो ये बंदा है, ये लग रहा है, ये तो यार बुजुर्ग बहुत ज़्यादा एजेड लग रहा है ये बंदा। कहाँ पे करेगा यार ये, पता नहीं। देख लेते हैं भाई लड़की ने क्या बोला क्या नहीं बोला, पता चल जाएगा अभी। लड़की बोल रही है नहीं बोल रही है सच, कौन झूठा कौन सच्चा है, देख लेंगे हम तो। वो देखो भाई, ओ शिट, ये हरकत कर रहा है बाकी। ये तो लड़की को कैसे देख रहा है? देखियो माइक ऑन एक बार, देखियो कोई चेक करियो, ये भी लगाएं क्या पता वीडियो भी ना है। वीडियो में ऑन है ना, लगा देते हैं, पता लगी क्या बात कर रहा है। दियो 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 दियो, कमेंट पास कर रहा है कि नहीं कर रहा। कैसे लड़की के पास उठ के जाके बैठ गया ये, बात कर रहा बात कर रहा हूँ, माइक शट करूँ। के लिए तो आप वहाँ से यहाँ क्यों आ गए? तो क्या हुआ, फर्क है सबके लिए। हाँ बैठ सकते हैं। अकेली बैठी, कोई और आने वाला है क्या तुम्हारे लिए? नहीं ऐसे बस आई थी घूमने के लिए। घूम ली? हाँ क्यों, कोई दिक्कत? नहीं नहीं मेरे को क्या दिक्कत, शादी सुन दो। आपको क्या करना है, मेरी शादी हो या ना हो? यो वो वैसे ही पूछा, एक नॉर्मल ही। मैडम आप तो गुस्सा हो रही हो। क्या देख रही हो, मेरे को भी दिखा दो। आप ये क्या कर रहे हो, आप वहां से यहाँ आए, यहाँ से इधर इधर करके यहाँ तक आ रहे हो? बैठा ही तो हूँ तुम्हारे पास, बैठा तो क्या हो गया? बैठे हो आप, लग रहा है आप नॉर्मली बैठे हो। चलो आप देखो जो कर रहे हो कर लो। अब कर क्या रहे हो? अरे कुछ नहीं कर रहा मैडम, मैं तो अब क्या बार बार इधर आए जा रहे हो बार बार, मैं साइड हो रही। तो फोन में इतनी बिजी हो रही हूँ मैं, बात कर रहा हूँ आप बात कर लो। क्या हो गया, क्या बात करनी है आपको? और क्या कर रही है यहाँ, कैसे पार्क में कैसे आ गई? क्यों, पार्क सिर्फ आपका है? मैडम आपका भी है पार्क, तो तब तो मैं भी आ सकती हूँ ना? आ सकती हो, लेकिन इतनी सुंदर लड़की अकेली पार्क में क्यों? पार्क एक सुंदर लड़की नहीं आ सकती क्या? आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती, लेकिन अकेली तो? क्यों, चार लड़कों को लेकर आना चाहिए था मुझे। तो गलत मतलब निकाल रही हो, तब ऐसे अजीब सवाल कर रहे हो, मतलब अकेले क्यों आई हो, पार्क में क्यों आई हो? अच्छा यही रहती होगी आसपास ही कहीं? हाँ इसी अपार्टमेंट में रहती हो। अच्छा अपार्टमेंट में रहती हो? हाँ मेरा भी साथ में ही है। अच्छा माँ बाप भी यही रहते तुम्हारे? हाँ। शादी होगी तुम्हारी? नहीं। अच्छा अगर शादी करनी हो कर लोगी तुम? अगर कोई अच्छा हैंडसम नौजवान हो वो लड़का तो कर लोगी? हाँ समझदार हो टैलेंटेड हो तो ऑफ कोर्स कर लूंगी शादी। मेरे
प्रॉपर्टी बहुत है, तो लड़का भी बहुत सुंदर है। अच्छा हाँ, प्रॉपर्टी से क्या करना, लड़का स्मार्ट होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए। स्मार्ट एजुकेटेड। अच्छा हाँ। कौन है वो लड़का? आप? अरे क्यों स्मार्ट नहीं आ रही? अरे अपनी एज दिख रही है आपको? अरे 36 का ही तो हूँ अभी। ये वाइट दाढ़ी है, मूछे देखो अपनी। अरे वो बस पता क्या है, थोड़ा सा ना टेंशन हो गई थी, घर वाली डेथ हो गई। मतलब आप ऑलरेडी शादीशुदा हो? अरे वो छोड़ो ना, वो तो बात गई, खत्म हो गई। मतलब कोई भी शर्म वरम नहीं है आपके? नहीं, कर क्या रहे? देख लो, अगर राजी हो तो मैं तैयार हूँ। मुझे नहीं करनी शादी, पहले तो आप दूर रहो, पहले दूर रहो आप। अरे मैं दूर ही तो हूँ। आप दूर बैठो पहले, कितना फासला है ये देखो। पहले आप दूर बैठो, क्या कर रहे हो? दूर बैठो, दूर बैठो। ये क्या कर रहा है भाई? हेलो, थोड़ा सा इधर से खड़े हो जाओ, जरा बैठे हम बात कर रहे हैं यार। अरे बात कर रहे हैं, अंकल क्या होता है, मैं अंकल नजर आ रहा हूँ तो क्या दिक्कत है? वो बैठा तो है। अरे भाई जाओ, अंकल हो तो अंकल ही बोलेगा वो आपको। भाई दूसरे भी बेंच लगे हैं, वहाँ जाके बैठ जा भाई। और ये क्या वीडियो बना रहा है तू? क्या वीडियो क्या बना रहा है? इसको बंद कर। क्या बना रहा हूँ? बंद कर, जा कहीं और जा भाई, इसको बंद कर दे। हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना। नहीं क्यों दूर? कौन है वो पता है? वो कौन है वो? अरे देना मैडम, भाई सुंदर लड़की है। दो भाई दो, बताता हूँ अभी कौन है। माई अभी बता। बैठ 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 जा, बैठ जा। अरे बैठ जा, नहीं तो कान के नीचे बजाऊंगा। बैठ जा, बैठ जा। अब क्या बोल रहे थे लड़की से? अरे लड़की बेटी समान है मेरी यार। कोई बेटी? हाँ, बेटी को कोई शादी के लिए प्रपोज करता है क्या? अरे बेटे मैं तो मैंने लड़का, मैं कहा अगर कोई होगा तो मैं लड़का। अच्छा आपने तो ये भी बोला कि मेरे पास प्रॉपर्टी है, मैं स्मार्ट हूँ, दिखता जरूर हूँ। अच्छा, जवानी का जोश चढ़ रहा है आपको? अरे भाई तुम ऐसे क्यों बहसबाजी कर रहे हो यार? मैं उससे पूरी वीडियो रिकॉर्डेड है पता है, शूट कर रहा हूँ बहुत दूर से भाई। इसको ये प्रॉपर माइक लगा के, ये हमारी टीम की लड़की है, ये हमारे पास हेल्प के लिए आई थी मैडम। इन्होंने बताया कि यहाँ पे आपने औरों को भी बहुत पहले छेड़ा हुआ है। हाँ इधर दिखाओ बेटे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेटे अच्छा? बेटे हो गया? मेरी बेटी समान ही है, इतनी बड़ी तो मेरी बेटी है। चिपको ना लड़की साथ। अरे नहीं चिपक रहे थे बेटी के साथ। काम करो ना, सुनो अब देखो प्रॉपर वीडियो बन रही है, अब दोबारा चिपक गया भाई। इसको भाई देखो, बैठ जाओ तुम्हारे हाथ जोड़ो, आप मेरे से बड़े हो, आप बैठ जाओ। हाँ अच्छा नहीं लगता तेरे? मैं देखो मैं पहले बैठो, बैठो बताऊँ बैठो। अरे आप मेरे से बड़े हो, नहीं तो मैं भी बता रहा हूँ आपको, मैं आपसे मुंह से बात नहीं कर रहा था। आप मेरे से बड़े हो, मैं आपसे मुंह से हेलो हाय नहीं कर रहा था। आप जो बेटे बेटे कर रहे हो ना, आप देखो बेटे, आप बता देखो, आप भी मेरे बेटे के समान हो। अच्छा ठीक है ना, तो आप ऐसे वीडियो वाला क्यों काम कर रहे हो? मेरी बेइज्जती हो जाएगी। और आप जो काम कर रहे हो वो अच्छा काम है? मैंने क्या किया है? मैंने यार पार्क में बैठे, आप बदतमीजी कर रहे थे, मैं आई हूँ वहाँ से यहाँ पर आ गए। बेटे मैंने बदतमीजी नहीं करी आपसे, मैंने कोई। अच्छा ये जो ऐसे टच कर रहे थे? नहीं नहीं नहीं, अब कर लो, अब लाइव कर लो, अच्छे से कर लो, बदतमीजी करने का शौक है, कर लो। मैं आपको छूट दे रही हूँ टच करने के लिए, अब कर लो, लो कर लो, कर लो। अरे मेरी बेटी, मैं देख ऐसे क्यों, देख मेरी बेटी ऐसे मत कह, इसको मना कर। अब बेटी हो गई है, अरे सच में शर्म नहीं आती, बिल्कुल भी शर्म नहीं आती आपको? पहले शादी कर ले, अच्छा लड़का हुआ है। नहीं नहीं, लड़का कहाँ से यार, ये लड़का है तू? नहीं नहीं, मेरी उम्र है भाई, उम्रदारी देख रही है अपनी, लड़का बन रहा है अपने पे, शर्म नहीं आती बिल्कुल? आंखों में शर्म नहीं है क्या आपके? ये बताओ। नहीं क्या मतलब, क्या हो गया? कितनी एज, कितनी आपकी? मेरी एज 45 साल की। मेरे को आपसे ना आप करके बात करना भी नहीं चाहिए, सच बताऊँ तो नीचे में तो बात ही नहीं करना चाहिए। अभी तक तो दो रेपटे लगानी चाहिए आपके, पर आपकी एज इतनी बड़ी है, मैं आपको क्या बोलूँ? कोई यहाँ पे जवान लौंडा होता है जो ऐसी हरकतें कर रहा होता ना इनके साथ, अभी तो तोड़ रहे होते उसको हाथों से, नहीं डंडों से तोड़ रहे होते। लेकिन आपको मैं बोल लूँ क्या? उतनी दूर मुझे लगा कि यार शायद मैडम झूठ बोल रही होंगी, जब इन्होंने पहली बार ये बात बताई ना मुझे। मना क्यों करूँ, आपने इतनी लड़कियों के साथ गलत किया है। अच्छा और ये यही रहती है, यही यहीं पे, यही इनका जो है, कहाँ पे मैडम आपका? नहीं है, ए ब्लॉक, यहीं पे रहती है, ए ब्लॉक में। आप कहाँ रहते हो? मेरा भैया पीछे की साइड में। पीछे की साइड कहाँ पे? जे जे कॉलोनी में जी। है अभी क्या बता रहे थे ये? खैर मैं इसी अपार्टमेंट में रहता हूँ। हाँ क्या पैसे वाला दिखा रहे थे अपने आपको? नहीं भैया, पैसे वाला दिखा के क्या करूँ मैं, बहुत गरीब आदमी, मजदूर। शर्म नहीं आती आपको? सच में बच्चे बच्चे तो होंगे? हाँ मेरे बच्चे भी। फिर उनके बच्चों को ये वीडियो देखेंगे तब कैसा लगेगा? मैं देखो नहीं लगेगा तो आपको, मैं बता रहा हूँ। हाथ जब यार आप इतने सारे कांड कर रहे थे तब तो वीडियो बन नहीं रही थी। मैं अपने बच्चों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा भाई, बंद कर दो। भाई भुगतान तो मिलना चाहिए ना, फल तो मिलना चाहिए। अब जो कर्म किया उसका फल तो मिलेगा ना भाई। ये काम पहले किया होगा लड़की के साथ? हैं पहले लड़कियों के साथ किया, तभी तो उनकी कंप्लेंट्स आई थी मुझे। हाँ ऊपर देखो, देख ले भाई, इधर शक्ल दिखा अपनी भाई, देख लो ये शक्ल, देख लो इनकी, इनके कारण अच्छे से देख लो। सोसाइटी की लड़की इधर इधर बैठ जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं, बैठ जाओ, बैठ जाओ,
अभी तो पुलिस वाले भी आएंगे, रुक जाओ, बैठो 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 बैठो, हाथ चलेंगे, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ, आपकी शादी करवाएंगे, बैठो बैठो बैठ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है? मेरा नाम गोविंद है। गोविंद है, जय जय गुलो नहीं रहता है। आधार कार्ड वगैरह लेके आए? आधार कार्ड जेब में कुछ नहीं है, फोन उन तो होगा, कुछ भी नहीं है। बच्चे तुम्हारे कैसे आएंगे, नंबर दियो अपना बच्चों का। हाँ भैया रहने दो यार, फोन मत करो यार बच्चों को प्लीज, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। हाथ देखो, अब तो हाथ जोड़ने का कोई फायदा नहीं है, जो कर्म कांड की है इसकी माफी तो है ही नहीं। ये कोई पहली बार कर रहे हो तो चलो एक बार आदमी सोचे भी। हाँ हम मैंने वीडियो में देखा, आप लड़की को देखते कैसे करते हो ऐसे रिएक्शन दे रहे थे, है? अरे वहां से यहां लड़की को देखते ही भक्के में आगे बैठ गए। गलती होगी मेरे से, बहुत बड़ी गलती होगी, आइंदा नहीं होगा ऐसा। नहीं 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 देखो, ये गलती होगी, इसका फल भुगतो, तब जाके सुधार मिलेगा आपको, तब सुधरोगे, ऐसे नहीं सुधरोगे। जब आपके बच्चे ये वीडियो देखेंगे, आपकी ये गलती के कारण आज अपार्टमेंट की कोई भी लड़की पार्क में नहीं घूम पाती है, पता है? सुनसान हो गया पूरा पार्क, यहाँ कोई आता ही नहीं है। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, इसको मना करते। देख मैं उन लड़कियों की हाथ जोड़ी जिनके साथ बदतमीजी की है आपने। अब आइंदा किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करूंगा। करो, आप करो, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप बेशक करो, अभी तो पुलिस वाले आपको लेके जाएंगे, आप हमारे साथ चलोगे, और आप बेशक करो भाई, पुलिस कंप्लेंट मत करो भाई। मैं कंप्लेंट मैं थोड़ी करूंगा, मैडम करवाएंगे भाई, मैं क्यों करूंगा यार, मेरा क्या बनता है, मेरा जो काम है, सुन सुन मेरी बात, मेरा जो काम है, मेरा काम वीडियो बनाना था, वीडियो मैंने इनकी बनवा दी, बाय प्रूफ मिल गया मेरे को, ये सोशल मीडिया पे जाएगी, थाने में जाएगी, और आपके बच्चे भी देखेंगे, फिर आपको पता चलेगा आशिकी क्या होती है। दिल जमा है ना, 40 साल की उम्र हो, कितनी उम्र होगी? 45 क्यों? वो शर्मा रहे, अंकल शर्मा रहे, मेरे को तो 45 भी लग नहीं रहे हो, आप बड़े और बड़े लग रहे हो। 50 के लग रहे हैं ये, जैसे वाइट बाल पूरे वाइट हो रहे हैं, और हरकतें आपकी बच्चों जैसी जवान हो रहे हो, 20 साल के लोंडे वाली हरकतें कर रहे हो। एक काम करो अंकल जी, अब ये बच्चे आपकी वीडियो देखेंगे, काम करो हमारे साथ चल लो, आओ थाने तक चलते हैं, बातचीत कर लेते हैं, अब इन मैडम से माफी मांगो, ये अगर माफी देंगी तो थाने में देख लेना अपने हिसाब से, नहीं तो अभी थाने तक चलो, आ जाओ उठ जाओ, चलो आ जाओ। माफी तो नहीं दूंगी, क्योंकि बहुत लड़कियों की कंप्लेंट मुझे इनकी आई है अपार्टमेंट से, कुछ इनके कारण लड़कियां नीचे तक नहीं आ पाती है पार्क में घूमने के लिए। चलो एक काम करो अंकल जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आपको बोलना अच्छा भी नहीं लगता, बंद कर दो, आपको बोलना अच्छा भी नहीं लगता, चलो आ जाओ, आप चलो बेटे, देख मैं तेरे पैर पकड़ लूंगा बेटे, टच करने की जरूरत नहीं है। ना ना चलो एक काम करो, आप चलो आ जाओ आ जाओ, शांति से आ जाओ, तो फायदे में रहोगे आप, ठीक है? अगर कहाँ जा रहे भाई, कहाँ जा रहे हो, भाग क्यों, अरे अरे अंकल जी कहाँ जा रहे हो, भाग कहाँ जा रहे हो, अरे आपकी शादी कराएंगे, आ जाओ, अरे मेरे बच्चों को, अरे आ जाओ शादी करवाएंगे, आ जाओ थाने, अरे आपकी शादी होगी, आ जाओ थाने, चलो थाने शादी करवाएंगे आपकी, आ तो जाओ, आपकी जवानी है वो पूरी करवाएंगे, आपका शौक था ना, अरे शौक पूरा कराएंगे, आ जाओ ना, अब क्या बात कर रहे हो यार, आपका शौक पूरा करा रहे, अब तो इतनी खुशी होनी चाहिए, बिल्कुल यार, हैं लड़की देखी, लड़की से शादी करवा रहे हो और क्या चाहिए, थाने वाले करवाएंगे, डंडे खाएंगे कभी थाने के, नहीं गए मुंह में छुपा, अब तो वीडियो बन गई, रोने से कोई फायदा नहीं, आ जा आ जा आ जा आ, थारी वीडियो चलेगी आज, बच्चे भी देखेंगे, थाने वाले तो देखेंगे, आ जा, मेरी फैमिली को पता लगे, अरे आ जा ताऊ, मुंह मत छुपा, आ जा आ जा, मत छुपा, आ जा भाई आ जा, अब इस हमारी